हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द लेक्चर 5 ऑफ आवर ट्रायंगल। तो हमने इससे पहले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था थेल्स थ्योरम के बारे में, उसके कन्वर्स के बारे में, और उससे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो साथ एक ही हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी थी। तो भी देखो बच्चों, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स क्या होता है, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया, इसमें थ्योरम हमारी फर्स्ट आती है ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, एंगल, एंगल और एंगल। यदि हमारे तीनों ही एंगल सेम हैं तो उसमें क्या होगा, तो हमारी वो साइड, वो हमारी ट्राइंगल्स दोनों क्या होंगे, हमारी एक दूसरे के सिमिलर होंगी। यदि सिमिलर होंगी तो इट मीन्स क्या होगा, उसके दो कोरस्पोंडिंग साइड्स है ना, वो एक दूसरे की क्या होंगे, हमें प्रोपोर्शन में होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो है हमारी ए बी सी और डी ई एफ। ये तो हमारी डी ई एफ, ये क्या है ए बी सी, ठीक है। हमारी दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें क्या रखा है इसने, ट्रिपल इज इन टू ट्राइंगल्स द कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम हमारी, इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स क्या बच्चों, ये हमारे तीनों एंगल क्या हमारे एक दूसरे के, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और तीसरे वाला एंगल क्या बच्चों इसके बराबर, ठीक है। क्या बोला इसने, इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखो बच्चों, इसने क्या पता हमें टू प्रूव क्या है, ये तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो हमारा इट मींस क्या होगा, तो टू प्रूव में हमारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, तो इसमें हो जाएंगे हमारा डी ई अपॉन ए बी इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी, ठीक है बच्चों। तो हमारी तीनों साइड्स हैं हमारे सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देखो बच्चों, हमें इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये हमारे गिवन क्या है, इसके अंदर गिवन हमारा एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, एंगल ई इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी, ये चीज हमारी गिवन है। तो देखो बच्चों, हम इसके अंदर एक काम करेंगे, जो ए बी के है उसके ठीक बराबर हमें यहाँ से इस भुजा को काट लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ए सी के बराबर हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो हमें दो पॉइंट मिले हैं, तो इन पॉइंट को हम देते हैं पी क्यू, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। तो इट मीन्स कंस्ट्रक्शन हमें क्या करिए बच्चों, डी पी इक्वल टू ए बी, और क्या की है डी क्यू इक्वल टू ए सी, ठीक है। हमें क्या कि बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन की है। तो इसके हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए बच्चों, हमारा क्या होगा, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को हम एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, देखो बच्चों कैसे कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ए बी सी, देखो बच्चों इनके अंदर एंगल डी इक्वल टू एंगल ए क्या है, ये चीज गिवन है, ठीक है। और हमें ये चीज हमें रचना ले रखी है, तो क्या ले रखी है डी पी इक्वल टू ए पी, और दूसरी क्या ले रखी है डी सी इक्वल टू ए सी, ये किसे है बाई कंस्ट्रक्शन से। तो बेटा देखो, साइड एंगल साइड, तो बच्चों हमने नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ा था, किसी भी ट्राइंगल की साइड और दूसरी साइड और उन्हीं के द्वारा बना हुआ एंगल यदि सेम है तो वो क्या होती है हमारी कॉन्ग्रुएंस होती है। सो ट्रायंगल डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए बी सी, तो बच्चों ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या होगी हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, एंगल डी पी सी, ठीक है। सो एंगल बी इक्वल टू, तो बेटा कोरस्पोंडिंग उसके एंगल्स बराबर होंगे, तो इसके ये बराबर साइड है, तो इसके सामने बड़ा एंगल ये है, तो हमारा ये एंगल भी क्या हो जाएगा, हमारा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ऐसे ये वाला एंगल है हमारा इसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इसके बराबर हो जाएगा। इट मीन्स क्या है हमारा, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, इट मीन्स एंगल बी किसके बराबर, एंगल डी पी क्यू के एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी क्यू, ठीक है बच्चों, इसके बराबर हो गया बाय द कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इसके इससे देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, देखो
इससे हमारा यदि हम ऐसे करें ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा ये एंगल हमारा क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल से, कोरस्पोंडिंग एंगल से, तो इट मीन क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। तो बच्चे हमारी पी क्यू किसके पैरेलल हो गई बच्चों, ई एफ के पैरेलल होगी। जैसे ही ये चीज इसके पैरेलल हो गई, इट मीन क्या लगा देंगे, हमारी प्रॉपर्टी लगा दें, सो बाई थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है बच्चों हमारी, थेल्स थ्योरम हमारी ये बोलती है कि डी ई अपॉन डी पी, पूरा क्या हमारा डी ई अपॉन डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मतलब डी ई अपॉन डी एफ, और तीसरी हमारा ये वाली साइड है, ये वाली भी इसके हमारे क्या हो जाएगी, इक्वल टू ई एफ अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो हमारी थ्योरम तो यही बोलती है। तो बच्चों हमारा डी पी किसके बराबर है, ई बी के बराबर है, डी क्यू किसके बराबर है बच्चों, ई सी के बराबर है। तो इन दोनों के द्वारा क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन ई पी इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी। तो हमारी चीज के बराबर आ गई ना चीज, तो जैसे ही ये चीज बराबर होगी तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो यही चीज हमें क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी। तो हेंस प्रूव, ठीक है, ये चीज इसके बराबर है तो हमारी ये चीज इसके भी तो बराबर होंगी, ई एफ अपॉन पी क्यू, ठीक है। ई एफ हमारा क्या है, ई एफ अपॉन पी क्यू, हमारी पी क्यू किसके बराबर होगी बच्चों, पी क्यू बी सी के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि हमारी बी सी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल एक दूसरे कोंग्रुएंट है ना, तो पी क्यू की जगह ऐसे क्या लिख देंगे हम, पी एफ अपॉन बी सी, ठीक है बेटा। ये ऊपर वाली साइड तो इसकी है, डी ई ई एफ और डी एफ, डी ई ई एफ और डी एफ, और जो नीचे वाली साइड है बच्चों ये वाली इसकी है हमारी। तो इसलिए हमारी चीज क्या हो गई, यदि हमारे तीनों एंगल सेम है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, उसकी तीनों साइड हमारी सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगी बच्चों। अभी इसे कन्वर्स है, कन्वर्स मतलब क्या है बच्चों, हमारा ट्रिपल एस सिमिलरिटी। तो इट मीन्स क्या है, यदि उसकी तीनों साइड है ना वो हमारी सेम प्रोपोर्शन में है तो उसकी क्या होगा, हमारे तीनों एंगल्स बराबर होंगे। वही तरीका लगेगा बच्चों, इसके अंदर एंगल डी ई एफ, ठीक है, इसकी और एंगल है एक है ट्राइंगल हमारी ए बी सी। तो बच्चों इनकी क्या दे रखी है, अभी गिवन क्या चीज है, बस जो चीज प्रूव करनी थी पीछे वाले में, बच्चों गिवन है जो चीज उसमें गिवन थी वो इसमें प्रूव करनी है। तो गिवन क्या चीज है हमारी, डी ई अपॉन ए बी और बराबर है ई एफ अपॉन बी सी और बराबर है डी एफ अपॉन ए सी, ये चीज गिवन है। तो अभी टू प्रूव क्या है, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए और एंगल ई इक्वल टू एंगल बी, और तीसरी क्या है, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी। देखो हमारा ए डी के बराबर है, ई एफ के बराबर है, ठीक है, ई बी के बराबर है, सॉरी एंगल ई किसके बराबर, हमारा ई बी ई के बराबर है, और एंगल एफ किसके बराबर, एंगल सी के बराबर है। ये हमें प्रूव करनी है, ये चीज क्या हमारी प्रूव प्रूव है। तो बच्चों अभी क्या हो जाएगा हमारे प्रूफ में, तो वही तरीका सेम लगेगा हमें, वही कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हमारी, डी पी इक्वल टू ए पी और दूसरी क्या करेंगे, डी क्यू इक्वल टू ए सी। देखो ये साइड हमें इसके बराबर ले ली, और मान ली ये साइड क्या ले ली बच्चों, इसके बराबर ले ली। तो देखो बच्चों हमारा इसके अंदर क्या चीज दे रखी है, उसी चीज को हम एक बार यूज करेंगे बच्चों। तो इसके अंदर देखो क्या है हमारा, एक तो क्या हमारा ये जो इसमें सेम प्रोपोर्शन दे रखा है ना बच्चों, उसी चीज का यूज करना पड़ेगा हमें बच्चों। इसमें क्या दे रखा हमने, डी ई अपॉन ए बी और क्या दे रखा है, ई एफ अपॉन बी सी, ये चीज दे रखी है बच्चों में, ठीक है, ई एफ अपॉन बी सी। इसकी बजाय हमें तीसरे वाला यूज करना है, इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी, ठीक है बच्चों। हमें ये चीज इसके तीनों के बराबर दे रखी है, हम बीच वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले को यूज करते हैं। देखो बच्चों इसको यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ई किसके बराबर है बच्चों, डी पी प्लस में पी ई अपॉन दिस इज अपॉन ए बी, ठीक है बच्चों। इसके बटे में क्या हमारा
एबी है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, हमारा डीएफ किसके बराबर है, डी क्यू प्लस मी क्यू एफ, और दिस इज डिवाइड बाई क्या है बच्चों, एसी। ठीक है, दिस इज डिवाइड बाई एसी। अभी देखो बच्चों हमारा क्या चीज है, हमारे ये डीपी किसके बराबर है, हमारा एबी के बराबर है। ठीक है, मतलब एबी हमारा डीपी के बराबर है, तो इस एबी की जगह क्या रख देंगे बच्चे, डीपी रख देंगे। ठीक है, डीपी प्लस में पीई अपॉन एबी, एबी की जगह डीपी रख दिया। दिस इज इक्वल टू ऐसे ही डी क्यू प्लस में क्यू पी, क्या है डी क्यू प्लस में क्यू पी आएगा, डी क्यू प्लस में क्यू एफ। ठीक है, डी क्यू प्लस में क्यू एफ अपॉन एसी की जगह क्या जाएगा बच्चे, बच्चों डी। ठीक है, हमारा ये आने के बाद देखो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, इससे ये हमारा वन आ जाएगा, वन प्लस में पी ई अपॉन डी पी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे वन आ जाएगा, वन प्लस में क्यू एफ अपॉन डी वन प्लस में क्यू एफ, ये हमारा क्या है डी क्यू प्लस में क्यू एफ, डी क्यू के बटे में डी क्यू करेंगे तो वन, और हमारा क्या आ जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, तो देखिए बेटा दिस डिवाइड बाई दिस एंड दिस डिवाइड बाई दिस, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा हमारा, बाई द थेल्स कन्वर्स थ्योरम। तो थेल्स कन्वर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाई थेल्स कन्वर्स थ्योरम, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा ई एफ पैरेलल टू पी टू, क्योंकि थेल्स थ्योरम कन्वर्स क्या बोलता है बेटा, पी ई अपॉन डी पी बराबर है क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, यदि हमारे सेम प्रोपोर्शन में काटती हैं तो इट मीन्स क्या आएगा, दोनों ही साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो देखो बच्चों यदि हमारे दोनों साइडें पैरेलल होगी तो हमारे देखो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो बेटा इन ट्रायंगल से, नाउ इन ट्रायंगल, तो देखो बच्चों हमारी दो ट्रायंगल्स हैं डी पी क्यू, डी पी क्यू एंड डी ई एफ। तो इस ट्रायंगल से देखो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल क्या हमारा कॉमन है। तो बेटा बाई द ट्रिपल ए डी पी क्यू सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है, इसके ये क्या होगी बच्चों हमारी सिमिलर हो गई, सिमिलर होते ही क्या हो जाएगा बच्चों हमारे, तो हमारा ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। जैसे सिमिलर हो गई ना, तो एक बात देखना बच्चों इसके अंदर हमारा, अब इसकी दो साइडें हैं, ये हमारी क्या है हमारी इक्वल है, तो बच्चों इन्हीं ट्रायंगल्स में हमारा क्या हो जाएगा, तो इसकी जो साइड है ना हमारी वो सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो बच्चों सेम साइडों का क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो ये वाला एंगल सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों ई एफ अपॉन पी क्यू बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, तो इसके सामने बड़े वाले में डी एफ अपॉन, इसके सामने क्या है बच्चों डी क्यू, दिस इज इक्वल टू, अभी तीसरे वाला ये एंगल बराबर है इसके, तो इसके सामने कौन सी बुझा बच्चों डी ई अपॉन, इसके सामने कौन सी है डी पी। ठीक है, डी ई अपॉन डी पी, तो तीनों हमारी सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो अभी देखो बेटा इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, सेम इसी तरीके से देखो हमारा पी डी किसके बराबर है, ई बी के बराबर है पी डी, अब इसके अंदर पी डी कहाँ है हमारा, या फिर डी पी इसके बराबर है, ऐसे ही हमारा डी क्यू, डी क्यू किसके बराबर है बच्चों इसी के बराबर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली छोटे वाली ट्रायंगल भी है इस पूरी ट्रायंगल की क्या हो जाएगी बच्चों हमारी सिमिलर हो जाएगी। तो इनकी वैल्यू पुट करिए हमारा, ये क्या है बच्चों ई एफ, ये हमारा क्या है डी एफ है, डी एफ, तो इसमें वैल्यू पढ़ते हैं डी एफ अपॉन डी क्यू, डी क्यू की जगह हमने क्या माना था ई सी, देखो हमने कंस्ट्रक्शन कर रखी है, तो ऐसे ही अपॉन डी ई
ये ऐसे कैसे डी ई अपॉन डी पी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, डी पी की जगह हमारा क्या जाएगा ए पी, ठीक है, ये हमने करी थी। तो डी इज इक्वल टू शुरू में क्या है ई एफ अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये क्या हमारा ई एफ अपॉन पी क्यू। तो देखो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा हमारा फिर इसके अंदर, तो ये दोनों साइडें हैं हमारी सेम प्रोपोर्शन में आ चुकी हैं। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड और पूरी वाली साइड हमारी ये वाली साइड। तो बच्चों हमारा डी ई एफ सिमिलर टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी, तो क्या हो जाएगा बच्चों डी ई एफ सिमिलर टू ए बी सी। देखो बेटा ये चीज है इसके अंदर, देखो डी एफ अपॉन ए सी हमारा क्या है डी एफ अपॉन ए सी, डी ई अपॉन ए बी, डी ई अपॉन ए बी चीज गिवन है। तो इसमें और क्या दे रखा बेटा ई एफ अपॉन बी सी भी दे रखा है, इक्वल टू ये गिवन है, ये चीज तो मैं प्रूव कर दी। लेकिन इसमें और क्या क्या इन दोनों चीजों के बराबर क्या चीज बराबर है बेटा ई एफ अपॉन बी सी भी क्या है बच्चों हमारी ये चीज बराबर है। देखो ये चीज तो हमने प्रूव कर दी और हमें इनकी जगह ये वैल्यू रखती, ठीक है, ये वैल्यू रखने के बाद ये चीज क्या होगी हमारी, तो दो साइड है उसकी चीज के गिवन आगे, देखो ये वाली चीज और ये वाली, तो हम ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो इसके बराबर हम दिस ये भी रख सकते हैं क्योंकि हमारी गिवन है। तो बच्चों अभी हम इस चीज का और इस चीज का यूज करेंगे ई एफ अपॉन पी क्यू और बराबर है ई एफ अपॉन बी सी, तो इसके हिसाब से हमारा क्या रहा बच्चों ई एफ सी एफ कैंसिल हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू किसके बराबर आ गई बच्चों हमारा बी सी के बराबर आ गई। तो देखो बच्चों हमारी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। तो बच्चों ये हमारी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो तो इसलिए क्या हो जाएगा ट्राइंगल डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। तो बेटा जैसे ही हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई ना तो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल है ऑटोमेटिक ये हमारा तीसरा बराबर हो ही जाएगा क्योंकि हमारे क्या है दोनों ही हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो बच्चों देखो ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर भी है, ये वाला इसके बराबर भी है, और हमारा ये वाला इसके बराबर भी है। बच्चों देखो इसके बराबर आएगी ये एंगल, ठीक है, तो इसमें दो लगा देते हैं। तो इसके हिसाब से बेटा हमारा ये वाला इसके बराबर हो जाएगा एंगल और ये वाला इसके। चलो मैं लिख देता हूं एंगल वन है, एंगल टू है और एंगल ये थ्री है। तो ऐसे ही हमारा ये एंगल कितना होगा बेटा टू के बराबर होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा हमारा थ्री के बराबर होगा, क्योंकि क्या हमारे इसके और इसके एंगल हमारे सेम होंगे, ये एंगल हमारा कॉमन होगा क्योंकि बेटा ये और ये हमारी पैरेलल साइडें हैं, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी पी क्यू एंड एंगल डी क्यू पी, डी क्यू पी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है बेटा, ये वाला एंगल सेम होगा। अब बेटा ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा एंगल दो या फिर एंगल डी पी क्यू, ये किसके बराबर है एंगल दो के बराबर भी हमारा, ठीक है, और यही एंगल हमारा ई के भी बराबर है। तो यही बेटा हमारा एफ के बराबर भी, क्योंकि ये क्या हमारे पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि इसके पैरेलल है, हमने प्रूव भी तो करी दी है यहाँ पे बाय द थ्योरम कन्वर्स थ्योरम। तो ये चीज हमारा दो इसके बराबर, देखो ये एंगल दो हो गया हमारा, ये एंगल हमारा तीन होगा, ये हमारा एंगल एक है। तो इसलिए क्या होगा बेटा ट्रिपल एसिमिलरिटी के दावे में क्या चीज प्रूव कर दी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी। तो ठीक है बच्चों दिस इज द ट्रिपल एस सिमिलरिटी। चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं बच्चों, सेम तरीके से हमारी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी भी पर हो जाएगी, ठीक है, हमें सेम मेथड लगाना है। ऐसी हमारी एक ट्रायंगल होगी और ऐसी हमारी एक दूसरी ट्रायंगल, तो इसके साइड के बराबर हम ऐसे लेंगे और इस साइड के बराबर हम ऐसे लेंगे, ठीक है। तो हमारा एस एंगल एस, तो ऐसे ये किसके प्रोपोर्शन में है दिस एंगल और ये हमारा एंगल इसके बराबर है और ये हमारी दूसरी ये साइड है, इन्हीं दो साइडों के एंगल है हमारी सेम प्रोपोर्शन में है। तो बच्चों हमारा सेम मेथड हो जाएगा, सेम तरीका हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको खुद करना सेम तरीका और सेम मेथड से। तो देखिए बच्चों अभी हम इस
के थोड़ी सी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों हमारा, हमें जस्ट क्या बताना है, ईच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर स्टेट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड राइट द सिमिलरिटी रिलेशन इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो बच्चा फर्स्ट है हमारा, तो पहले वाले में एंगल क्या हमारा 50, दूसरा है 60, 70, ऐसे ही दूसरे में है 50, 60 और 70। तो बेटा जिस डिश में क्या हो जाएगा हमारी ट्रिपल ई, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ये क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा। सेकंड में देखिए बच्चा हमारा क्या है, तीन है हमारी एंगल 70 है और हमारी 4.5 है। तो इसमें देखो बच्चा तीन से डबल है 6 और 4.5 से डबल क्या है हमारा 9 है। तो बच्चों उसमें क्या हो जाएगा हमारी साइड तो दोनों डबल आ रही हैं और एंगल हमारा क्या है सेम है। तो देखो बच्चों हमारी इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल साइड, जो हमने लास्ट में किया ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड। क्योंकि बच्चों देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, ये है दिस इज 70 और हमारा ये क्या है 3 सेंटीमीटर, ये क्या हमारा 4.5 सेंटीमीटर। और देखो बेटा क्या दिया इसके अंदर हमारा, ये हमारा दिस इज एंगल 70 और दिस इज 9 सेंटीमीटर और दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों हमारा मैंने क्या बोला था, साइड एंगल साइड। तो बेटा जो एंगल है ना हमारा इन्हीं साइडों के बीच होना चाहिए, तो दिस एंगल मस्ट बी, देखो बच्चों हमारा जो ये एंगल है ये तो इन साइडों के बीच में नहीं है और लेकिन ये वाला एंगल है इन दो साइडों के बीच में है। तो इसमें हमारी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी इसमें हमारी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि हमारे इस एंगल का तो पता है लेकिन हमने इस एंगल का नहीं पता, क्या पता ये 70 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो दीज आर नॉट सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो हमारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर ट्रायंगल नहीं होंगी। अब थर्ड में देखिए बच्चों हमारा 80 डिग्री इसमें है, 80 इसमें है, ठीक है। तो आगे देखो बच्चों हमारा क्या है, 8 है इसमें, 6 है, 4:3 है। तो इसके अंदर बेटा और उसके 6 और 4.5, देखो बच्चों एक बार इसको हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो हमारा क्या है 80 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। तो दूसरे में क्या बोल दिया बच्चों इसने, 4.5 और हमारा 6, ठीक है। तो ये हमारा 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री है। तो बच्चों देखिए हमारा क्या हो रहा है इसके अंदर, रेशियो एक बार चेक करके देखिए, साइड एंगल साइड का, साइड एंगल साइड। तो एंगल तो बच्चों हमारा क्या है 80 डिग्री, दोनों के केस में सेम है। तो इनके केस में हमारी साइड्स देखिए बच्चों हमारी क्या है, पहली बात तो ये 6 है, ये 6 है, तो दूसरी में हमारी सेम होनी चाहिए, तो हमारा ये वाला इसे नहीं चलेगा। तो दूसरा काम कर लो आप, 8/6 एंड 6/4.5। अभी देखो बच्चों किसके बराबर होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60। डेसिमल बटाने के लिए ऊपर हमने एक जीरो लगा दी, तो 4/3 बराबर है 4/3। तो बेटा इनका दोनों का रेशियो क्या बच्चों हमारा सेम है, ये रेशियो सेम आ रहा है और हमारा 20 का एंगल है वो भी क्या बच्चों हमारा सेम है। तो दिस इज दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल्स बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएंगे इसमें। तो बच्चों अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया है बेटा आपने, हमारी एक ट्राइंगल है इन द गिवन फिगर, इफ एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल बी, शो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो ए डी की वैल्यू क्या दे दी बेटी इसने 3.8 और ए ई की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों 3.6, बी ई की वैल्यू क्या है 2.1 और बी सी की वैल्यू क्या है बच्चों 4.2, फाइंड डी ई। तो देखो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर, जो आपका एंगल बराबर है उसी के कोरस्पोंडिंग आपको, तो ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है, ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर दे रखा है बच्चों, इसके बराबर दे रखा है। तो हमारे ट्रायंगल्स क्या है, ए बी सी, ये डी है और ये ई है। तो देखो बच्चों हमारा अब इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ए बी सी, तो दोनों ट्रायंगल्स में देखो बच्चों एंगल ए क्या है हमारा कॉमन है ये तो, ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ए डी ई, ये क्या है बच्चों गिवन है। तो तीसरा एंगल हमारा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, जो कि क्या होगा इस एंगल के बराबर हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये हमारा एंगल हमारा सेम है, ठीक है।
तो ये एंगल हमारा सेम है, तो बच्चों अभी इन्हीं के कोरस्पोंडिंग साइड्स का क्या होगा बच्चों, हमारा सेम रेशियो हो जाएगा। तो अब इसे क्या क्या चीज दी है, ए डी है 3.8, ठीक है बच्चों, और क्या दे रखा है इसने हमारा ए है 3.6, इक्वल टू 3.6, बी इक्वल टू 2.1, और हमारा बी सी दे रखा है 4.2, ठीक है बच्चों, बी सी इक्वल टू फोन फाइंड द डी ई। तो मैं बच्चों ये वाली चीजें फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा इसके अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये दो हमारी क्या, हमारी सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा ए ई डी, ठीक है, ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर टू ए बी सी, ठीक है। जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, पूरा वाली ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी। इट मींस क्या होगी, हमारी सेम रेशियो में होगी। तो अभी देखो बच्चों हम क्या करेंगे, ए ई अपॉन ए बी इक्वल टू ई डी अपॉन बी सी। ऊपर छोटे वाली ट्रायंगल है, नीचे बड़े वाली ट्रायंगल है, तो हमारा ये एंगल बच्चों देखो इसके अंदर हमारा थोड़ी सी जो हमारा एंगल सेम है ना, उसी के बराबर हमने लिखना है। तो ए ई हमारी है, ए ई है ये इस एंगल के सामने है ना, ए ई किस एंगल के सामने बच्चों, इस एंगल के सामने है। तो ए ई हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसके बराबर की भुजा क्या होगी हमारी, ए डी अपॉन, देखो इस एंगल के सामने क्या बच्चों, ए ई, ठीक है। और अभी हमारा ये सेम एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने बड़े वाले में क्या है बेटा, ए सी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एंगल सेम है ना, हमें उसी के बेस पे चलना है। तो दूसरी साइड है बेटा हमें क्या लिया हमने, ए डी। तो ए डी इसमें ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल किसके समान है बेटा, इसमें बड़े वाले में इसके समान है। तो इसमें अब क्या आ जाएगी, ए बी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा हमारा, अभी छोटे वाले में क्या है, ये वाला एंगल बराबर है, तो इसमें ई डी अपॉन बड़े वाले में क्या है जो बी सी है। बस आपको इसके अंदर इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका एंगल है ना, उसी के कोरस्पोंडिंग साइड्स, ये वाला एंगल बराबर है तो इसके सामने की, ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इस बड़े वाले में क्या है बच्चों, ई सी है। तो अभी हमारे पास कौन कौन सी चीजें गिवन है, ए डी गिवन है, ई बी गिवन है, क्योंकि ये भी हम इसको दोनों जोड़ के निकाल लेंगे, ई डी हमें निकालनी है और बी सी, इन दोनों का यूज कर लेंगे। ए डी क्या बच्चों 3.8, ई बी क्या है 3.6 एंड प्लस ऑफ द 2.1, दिस इज इक्वल टू ई डी अपॉन 4.2। तो ई डी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, दिस इक्वल टू 3.8 गुना में 4.2, दिस इज डिवाइड बाई 6 और 1 7 और 3 और 2 5, ठीक है। तो बेटा हो जाएगी हमारी, इसके डेसिमल को हटाएंगे तो 38 गुना में 42 बटे में 57 और 0, ठीक है, ये 19 57 और 19 38। तो आगे कट जाएगा बच्चों, 3 से कट जाएगा, 3 दाया 30, 3 एकम 3 3 चौके 12 14 दुनी 28, तो क्या आ जाएगी बेटा 2.8 के बराबर आ जाएगी। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।